नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉइज बडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स में टोटल कितने सीट्स हैं और गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स का टोटल फीस कितना है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स में टोटल कितने सीट्स हैं और गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स का टोटल कितना फीस है। यदि आप गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स का टोटल सीट कितना है, उसके बाद हम जानेंगे गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स का टोटल फीस कितना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सीट्स के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनटेक कैपेसिटी, उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सेक्शन, सेक्शन के नीचे देखिए लिखा हुआ है मॉर्निंग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मॉर्निंग सेक्शन में टोटल कितने सीट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनरल, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 112 सीट है, एससी के लिए टोटल 40 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 11 सीट है, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए टोटल 10 सीट है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए टोटल 7 सीट है और टोटल मिला के हो जाते हैं 180 सीट। तो मॉर्निंग सेक्शन में टोटल 180 सीट है बीकॉम कोर्स का। अब आइए आगे बढ़ते हैं डे शिफ्ट की ओर। यहाँ देखिए सेक्शन में लिखा हुआ है डे और जनरल कैटेगरी के लिए डे शिफ्ट में टोटल 190 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए टोटल 81 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 22 सीट है, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए टोटल 45 सीट है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए टोटल 31 सीट है और टोटल मिला के हो जाते हैं 369 सीट। बीकॉम कोर्स के लिए डे शिफ्ट में टोटल 369 सीट है। अब यहाँ देखिए बोला गया है टोटल, टोटल जनरल कैटेगरी के लिए सीट है 302, एससी कैटेगरी के लिए टोटल 121 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 33 सीट है, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए टोटल 55 सीट है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए टोटल 38 सीट है और टोटल मिला के हो जाते हैं 549, जो कि बहुत कम सीट है। दोस्तों यदि आपका परसेंटेज 90% से कम है तो आप लोग इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब एडमिशन फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद जब मेरिट लिस्ट निकलता है तो मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो 90% से भी ज़्यादा चला जाता है, जिससे क्या होता है जिनका परसेंटेज 90% से कम है या 95% से कम है उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यदि आपका परसेंटेज 90% से कम है तो आप लोग इस कॉलेज में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। गोयनका कॉलेज में हजारों की तादाद में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 500 या 600 स्टूडेंट का एडमिशन हो पाता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कटअप कितना हाई जाता होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यदि आपका परसेंटेज 90% से कम है तो आप लोग इस कॉलेज के लिए बिल्कुल भी वेट ना करें। तो दोस्तों ये हमने जान लिया गोयनका कॉलेज के सीट के बारे में, अब आइए जानते हैं गोयनका कॉलेज का टोटल फीस कितना है। तो यहाँ देखिए ये है टोटल फीस का स्ट्रक्चर, आइए एक एक करके फीस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले बोला गया है कॉलेज फीस और यहाँ देखिए बोला गया है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी। आइए सबसे पहले जानते हैं कॉलेज फीस के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहला फीस बोला गया है ट्यूशन फ़ी फॉर 6 मंथ एट द रेट ₹85 पर मंथ, यानी कि ₹85 करके 6 मंथ का आपको देना होगा ₹510। उसके बाद देखिए बोला गया है एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी आपको पे करना होगा ₹5। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है सेशन चार्जेस फ़ी ₹85, जो कि बहुत कम है। उसके बाद देखिए बोला गया है लाइब्रेरी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी आपको पेड करना होगा ₹5। उसके बाद देखिए बोला गया है स्पोर्ट्स फीस आपको पेड करना होगा ₹100 और टोटल मिला के हो जाते हैं ₹705। तो ये हो गया कॉलेज फीस। अब आइए जानते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी दोस्तों कैटेगरी हिसाब से देना होगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका अलग फीस लगेगा और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आपका अलग फीस लगेगा। यहाँ देखिए बोला गया है सबसे पहला फी रजिस्ट्रेशन फ़ी, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ₹80 देना होगा और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको ₹5 पेड करना होगा। उसके बाद देखिए बोला गया है स्पोर्ट्स फ़ी आपको पेड करना होगा ₹40 फॉर जनरल कैटेगरी और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो भी आपको ₹40 ही पे करना होगा। उसके बाद देखिए बोला गया है माइग्रेशन फ़ी इफ़ एप्लीसियंट इज़ फ्रॉम आउटसाइड
WB, CHSC, ISC, CBSC, NIOS, रविंद्र मुक्त विद्यालय। माइग्रेशन फी क्या होता है दोस्तों, यदि आप इन सभी बोर्ड से आकर इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको माइग्रेशन फी नहीं देना होगा। यदि आप इन सभी बोर्ड के अलावा किसी अदर बोर्ड से आकर इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको माइग्रेशन फी देना होगा। माइग्रेशन फी देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया है 100 रुपीज़ और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी 100 रुपीज़, दोनों फीस सेम ही है। अब देखिए बोला गया है टोटल फी पेड करना होगा जनरल कैटेगरी के लिए 220 रुपीज़ और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए देखिए बोला गया है 145 रुपीज़। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी। अब देखिए यहाँ बोला गया है टोटल फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको टोटल कितना फीस पेड करना होगा वो आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए दो कैटेगरी बताया गया है, एक बोला गया है नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट, एक बोला गया है माइग्रेटिंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर है बताया, यदि आप लोग इन सभी बोर्ड से देखिए यहाँ पे बोर्ड का नेम दिया गया है WBCHSC, ISC, CBSC, NIOS, रविंद्र मुक्त विद्यालय, यदि आप लोग इन सभी बोर्ड से आकर इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप कहलाएंगे नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट। यदि आप लोग इन सभी बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से आकर इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप कहलाएंगे माइग्रेटिंग स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट और माइग्रेटिंग स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट का फीस कितना पेड करना होगा। तो यहाँ देखिए बोला गया है फॉर जनरल कैटेगरी, यदि आप लोग नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट है और आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 825 रुपीज़ देना होगा और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको टोटल 750 रुपीज़ देना होगा। तो ये हो गया नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट का। अब आइए जानते हैं माइग्रेटिंग स्टूडेंट के बारे में। यहाँ देखिए बोला गया है फॉर जनरल कैटेगरी 925 रुपीज़, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप लोग माइग्रेटिंग स्टूडेंट हैं तो आपको 925 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ देखिए बोला गया है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 850 रुपीज़, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोग माइग्रेटिंग स्टूडेंट हैं तो आपको 850 रुपीज़ पे करना होगा। तो दोस्तों ये हमने जान लिया गोयनका कॉलेज के बीकॉम कोर्स का टोटल सीट कितना है और साथ ही हमने ये भी जान लिया गोयनका कॉलेज का बीकॉम कोर्स का टोटल फीस कितना है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉइज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।